जनपद मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव में शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने घर वापसी आ रही युवती का आरोप है कि गांव के ही मोनू सोनू ने उसे देखकर अश्लील इशारे करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों लोग गुस्सा हो गए और झगड़ा करने पर उतारू हो गए। युवती चुपचाप अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया। इसके बाद दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जबरन उसके घर में घुस गए और युवती उसकी माता पिता के साथ मारपीट की और कहा कि अगर तुमने इसकी शिकायत की तो तुम्हें जान से मार देंगे। धमकी देते हुए वो लोग वहां से चले गए और कहा कि हमारे चाचा फारूक पुलिस में हमारा कुछ नहीं कह सकता। पीड़ित युवती व उसकी मां ने इस मामले में मैनाठेर पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पीड़ित परिवार डरा हुआ है। पीड़ित परिवार ने आज मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पहुंचकर तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ ये मामला हुआ है। हम शादी में गए थे, मोनू व सोनू जो है उसमें से मोनू उनका भाई शादी में मुझे देखकर गंदे इशारे करने लगा। वह मैंने बात अपनी अम्मी को बताई तो घर आने के बाद मेरी अम्मी ने पूछताछ की तो उन्होंने मोनू व सोनू जो हैं उन्होंने मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की, गाली गुपार की और मारपीट करने लगे। फिर उसके बाद मेरी अम्मी घर आ गई। घर आने के बाद मोनू व सोनू और उनके भाई बंटी वो घर में घुस के हम पे हाथापाई करने लगे और घर की महिलाओं पर हाथ चलाने लगे। हाँ, हम दो बार थाने जा चुके हैं, मैनाठेर थाने गए थे, वहाँ पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। और मोनू व सोनू जो है उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे चाचा जो हैं फारूक वो पुलिस के अधिकारी हैं तो तुम्हें कहीं भी शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी पहुँच पुलिस तक है और तुम अगर गाँव में रहना चाहते हो तो तुम्हें शांति से दबकर रहना होगा। खबर कानपुर से है जहां आधार कार्ड बनवाने व संशोधन को लेकर अवैध वसूली हो रही है। ग्रामीणों से 100 रुपए से लेकर 600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने एक युवक से पूछताछ के लिए उसे हिरासत में भी ले लिया लेकिन एक युवक फरार हो गया। वहीं मामले में ग्राम प्रधान की भी संकल्पता बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें ये मामला साढ़ थाना क्षेत्र के पालपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। अब हम साहब कहा जाने में कही रहे 200 को 600 का ही चीज किसान आदमी 500 को 1000 का 1000 दे। अच्छा, कहाँ से लोग बनाने वाले आए हैं? लोग कितने लोग थे बनाने के लिए? मैंने बताया कि हम का एड्रेस कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, ये जानकारी आपको नहीं है? जहाँ के हैं। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट के बीएसपी उम्मीदवार घोषित पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बांदा चित्रकूट लोकसभा के कैंडिडेट को घोषित किया है। मयंक त्रिवेदी बसपा प्रत्याशी के रूप में बांदा और चित्रकूट सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें मयंक द्विवेदी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। मयंक द्विवेदी जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। जनसमर्थन को लेकर सभी के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया है। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से ब्राह्मण कैंडिडेट के आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। मैं आप पूरे बांदा चित्रकूट लोकसभा की यथास्थिति को देखते हुए मैंने भजन जी से अनुरोध किया कि अगर बांदा चित्रकूट लोकसभा में मुझे अगर आपके द्वारा आशीर्वाद दे दिया जाएगा तो मैं चुनाव वहां से जीत के आ जाऊँगा। भजन जी ने लगभग आधा घंटे का समय दिया और उन्होंने पूरी वार्ता के दौरान 3-4 बार कहा कि मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, तुम जाके बांदा चित्रकूट लोकसभा में चुनाव। किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी और क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? यहाँ स्थानीय मुद्दे आप सब लोग देख ही रहे हैं कि तमाम अवैध खनन चल रहे हैं, तमाम मतलब जितने भी कार्य हो रहे हैं कोई धरातल पे नहीं हो रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में छोटे से पर जिला पंचायत सदस्य में 2 बार कार्य करता रहा, कहीं एक भी व्यक्ति मेरे दोनों जिला पंचायत सदस्य में आपको नाखुश मुझसे नहीं मिलेगा, चाहे जिस समाज का हो चाहे जैसा व्यक्ति हो, जिसने मुझे वोट भी नहीं दिया होगा वो भी मेरे साथ है। खबर फरुखाबाद से है जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव कार्यालय विकास स्थित कार्यालय पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी की गारंटी की घोषणा पत्र मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें बीजेपी के जिला प्रभारी महेश दुबे ने प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं घोषणा पत्र में जारी की गई हैं उसके बारे में जानकारी दी, जिसमें गरीब परिवारों की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए स्वतः अगले 5 साल में दुनिया की आर्थिक तीसरी शक्ति बना है। गरीब परिवारों को जो मुफ्त राशन देते थे वो उनको अब अगले 5 वर्षों तक मुफ्त मिलेगा।
भाजपा सरकार ने अभी तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। खाद्य पदार्थों में दाल, खाद्य तेल, सब्जियों के उत्पादन के आत्मनिर्भर बनकर गरीब की थाली को सुरक्षित करने का भी प्रयास बीजेपी सरकार के द्वारा किया जाएगा। फर्रुखाबाद से शानू खान की रिपोर्ट। के माध्यम से अभी तक देश भर के 10 करोड़ किसानों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये 6,000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों को मिलते रहेंगे। सहयोग के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देने के अनुरूप देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए एक राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लाई जाएगी। ये गारंटी किसानों को है। सहकारी क्षेत्र में किसानों को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत साधन उपलब्ध है, बहुत भविष्य है। इसलिए इसमें हम डेयरी को, जहां डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा देंगे, वहीं एक राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लाएंगे। भाजपा ने सब्जी की खेती और भंडारण के लिए नए क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। खबर कानपुर से है, जहां शासन और प्रशासन भले ही आवारा गौवंश संरक्षण अभियान चलाकर उन्हें संरक्षित करते हुए भरपूर आहार उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर रहा है, किंतु रसूलाबाद विकास खंड भैंसैया गौशाला में तैनात पंचायत सचिव अफसरों के निर्देश को हवा में उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गौशालाओं में संरक्षित गौवंश को दाना, चोकर तथा हरा चारा की बात छोड़ दीजिए, पर्याप्त मात्रा में गौवंशों को सूखा भूसा भी नसीब नहीं हो पाता। गौशाला में संरक्षित गौवंश को सूखा भूसा खाकर पेट भर रहे हैं और जिम्मेदार लोगों द्वारा कागजों पर गौशालाओं का विधिवत संचालन दिखाकर अफसरों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। एक और जिलाधिकारी आलोक सिंह और मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी नगप्पन लगातार समीक्षा बैठक कर गौशालाओं की व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश जारी कर रही है, तो दूसरी और पंचायत में तैनात जिम्मेदार लोग CDO और DM के निर्देश को हवा में उड़ाने में मशगूल हैं। स्थिति ये है कि गांव में बनी गौशालाएं गौवंश के लिए कब्रगाह बनती जा रही हैं। यहां पे आज हम लोग आए, यहां पे देखा गौशाला का, तो स्थिति यहां की बड़ी दयनीय, बहुत ही खराब है। चारा के नाम पे यहां पे नदियों में गोबर पड़ा हुआ है, यहां जानवर मर रहे हैं। यहाँ के मंत्री आए तो वो काफ़ी यहाँ से वो इसे करते चले आए, किसने फ़ोन किया। हम लोग शालीनता से देख रहे हैं, पूरे जनपद में जा रहे हैं, गौशाला देखते हैं। माननीय CDO महोदया को हम लोग पूरी रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि कहाँ किस गौशाला की स्थिति अच्छी, कहाँ क्या। तो यहाँ का जो स्थिति है, CDO साहब से बात करेंगे और देख के रुहास आ गए। जो ये गाय सामने हमारे मर गई,